नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा और मैं हूं आपके साथ काजोल नारायण। महंगाई का मुद्दा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि आम जनता से जुड़ा है। बात अगर पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की जाए तो इनकी कीमतें लगातार आसमान छू रही है। अगर बात की जाए पिछले 15 दिनों की तो 15 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है जिससे आम जनता त्रस्त नजर आ रही है। वहीं विपक्ष को भी बैठे बिठाए एक खास मुद्दा मिल गया है। विपक्ष को बहाना चाहिए और ये मुद्दा खुद विपक्ष को मिला है। विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, दिल्ली की और तमाम और राज्यों की तो सपा और कांग्रेस लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है। कई जगह रैलियां की जा रही हैं, कई जगह सिलेंडर की अर्थी निकाली जा रही है, तो अनोखे तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आम जनता त्रस्त है, आम जनता को इससे छुटकारा कब मिल पाएगा, कब ऐसा मौका आएगा जब इनकी कीमतें थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि 100 के पार जो है पेट्रोल की कीमत पहुंच चुकी है। कई राज्य ऐसे है जहां पर 100 के पार पेट्रोल है। अंदाजा आप लगाइए कि आम जनता जो अभी आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है क्योंकि कोरोना काल की वजह से ही लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में कईयों की नौकरी चली गई, कई ऐसे हैं जो नौकरी अब भी कर रहे हैं लेकिन कई ऐसे हैं जिनको अब तक नहीं मिल पाई है, तो सोचिए कि एक मिडिल क्लास फैमिली कैसे अपना घर चला रही होगी। प्रद्युमन, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है आम जनता के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए। बजट से बहुत उम्मीदें थी लेकिन बजट में लोगों का यह कहना है जो मिडिल क्लास फैमिली से है कि उनके लिए कुछ नहीं था। सोशल मीडिया पर तमाम चीजें वायरल भी हुई थी लेकिन तब से ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। आखिर कब उन्हें इससे निजात मिल पाएगी? देखिए, जिस तरीके से बजट यहाँ पर सामने आया था ऐसे में बजट से काफी उम्मीद जताई जा रही थी लेकिन वो उम्मीद यहाँ पर टूट जाती है क्योंकि जब 100 के पार पेट्रोल पहुंच जाता है, राजस्थान की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो ऐसे में पेट्रोल की जो कीमत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 100 के आसपास पेट्रोल की जो कीमत है वो यहाँ पर पहुंच गई है। आप खुद सोचिए कि गाड़ी के बिना तो किसी आम जनमानस को यहाँ पर काम चल ही नहीं सकता है क्योंकि गाड़ी के बिना तो ना ऑफिस जा सकते हैं ना अपने निजी काम कर सकते हैं, तो गाड़ी चाहिए तो उसमें स्वाभाविक है कि पेट्रोल चाहिए ही चाहिए। और ऐसे में अगर जब पेट्रोल की कीमतें आसमान छूने लग जाएंगी वो भी कोरोना काल में और इस मंदी के दौर में, तो जेब पर जो है वो फर्क तो पड़ना ही है, असर पड़ना ही है और वो असर दिख रहा है, जिसके चलते यहाँ पर जो आम लोग हैं वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। गाड़ियों को कम चला रहे हैं लेकिन कितना कम गाड़ी आप चलाएं फिर भी पेट्रोल तो लगेगा लेकिन उसके बाद भी आपकी जेब पर तो फर्क आना ही आना है। यहाँ पर लगातार जो लगातार कीमत है वो बढ़ती जा रही है, विपक्षी पार्टी लगातार आंदोलन प्रदर्शन कर रही है लेकिन उसके बाद भी कोई जो नतीजा होता है वो यहाँ पर सामने नहीं आ रहा है। चाहे सपा की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी तक की बात कर ले हम, तो यहाँ पर आंदोलन किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, लगातार ट्वीट भी किए जाते हैं। आजकल तो ट्वीट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो ट्वीट करके यहाँ पर पेट्रोल लिस्ट यहाँ पर डाल दी जाती है और बार बार सरकार को टैग किया जाता है, सरकार के मंत्रियों को उनके नाम उछाले जाते हैं, तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन उसके बाद भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को अगर आप एक कोने में रख दें, आम लोगों की बात करते हैं, तो ऐसे में आम लोगों के लिए जो परेशानी है वो जरूर बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से आपने अभी कोरोना का जिक्र किया, कोरोना काल अभी गया नहीं है, अभी भी कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में काफी लोगों के पास नौकरियां नहीं है, जिनकी नौकरियां हैं उनका पेमेंट पूरी तरीके से नहीं आ रहा है, कुछ फीस भी कट के आ रहा है। और उसी बीच जब ये खबर सामने आ जाती है कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो यहाँ पर बढ़ रही है, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, देखा जाए तो भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है और ईंधन का इस्तेमाल भारत में कितना ज्यादा होता है इससे हर कोई परिचित है। अगर बात की जाए सार्वजनिक वाहनों की तो सार्वजनिक वाहनों में भी ईंधन का इस्तेमाल होता है, निजी वाहनों में जो लोग हैं वो अपना निजी वाहन इस्तेमाल करते हैं उसमें भी ईंधन की जरूरत होती है। लेकिन जब ईंधन इतना महंगा हो जाएगा तो आम जनता कैसे निजी वाहन का इस्तेमाल कर पाएगी, उसके बाद वो सार्वजनिक वाहनों का रुख करेगी। देखिए सार्वजनिक वाहनों की अगर हम बात करें, चाहे वो बड़े शहर हो, महानगर हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, चेन्नई हो, यहाँ पर ये मेट्रो सिटी है, बहुत ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, यहाँ पर अगर निजी वाहन छोड़ के लोग सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करेंगे तो आप सोचिए कि कैसे कोई दफ्तर पहुंच जाएगा और कैसे कोई अपने जरूरी काम कर सकेगा। बात की जाए अर्थव्यवस्था की तो जिस तरह से निफ्टी और सेंसेक्स लगातार बढ़ रहा था उसमें उछाल हमने पिछले दिनों देखा था, उससे ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि 2021 में अर्थव्यवस्था में एक बड़ा उछाल हमें देखने के लिए मिले, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स एक बार फिर से नीचे आ गया है। तो क्या हम प्रद्युम्न कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था अभी ऐसी ही रहने वाली है, जो उम्मीद हमें लग रही है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है? देखिए, उम्मीद तो यहाँ पर साफ तौर पर टूटी गई है क्योंकि जब कीमतें इतनी बढ़ जाती है,
आप आम चीज की बात भी करें, दालचीनी की बात करते हैं, जो ऐसी चीज है जो हर घर में पाई जाती है और उसके बिना काम नहीं चल सकता है, तो उसकी कीमतें में भी इजाफा हो रहा है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया, गैस सिलेंडर जिसके बिना तो किसी भी कीमत पर काम नहीं चल सकता है, सबसे ज्यादा गैस सिलेंडर की जरूरत होती है। सरकार भी खुद बार बार ये कोशिश करती है कि हर घर में गैस सिलेंडर हो, लेकिन जब उस गैस सिलेंडर की कीमतें इतनी बढ़ा दी जाती हैं, दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो ऐसे में आम जनमानस कहां से गैस सिलेंडर खरीदेगा, कहां से पेट्रोल डलवाएगा, क्योंकि जब नौकरियां नहीं है, पैसे नहीं है, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, ऐसे में अगर कीमतें लगातार बढ़ती जाएंगी तो आम लोगों के सामने परेशानी यहाँ पर सामने। और प्रद्युमन, यहाँ पर बात की जाती है आत्मनिर्भर बनने की। देखिए, आत्मनिर्भर हम बन भी जाएं और हम बनने की कोशिश भी करें, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर हमें खर्च करना ही पड़ता है। देखिए, हमें ईंधन अगर बात की जाए तो ईंधन हमें लेना ही पड़ेगा, गैस सिलेंडर हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हम खाना कैसे बनाएंगे अगर हम गैस सिलेंडर नहीं लेंगे। सार्वजनिक वाहन हो चाहे निजी वाहन हो, उसमें ईंधन की जरूरत होगी, ईंधन नहीं होगा तो वो नहीं चल पाएंगे, हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, दफ्तर नहीं पहुंच पाएंगे, दफ्तर नहीं जाएंगे तो हम काम कैसे करेंगे, काम नहीं करेंगे तो हमारे पास पैसे कैसे आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो हम अपना घर खर्च कैसे चलाएंगे। ये बहुत बड़े सवाल हैं आम जनता के सामने। इसके साथ साथ अगर बात दूसरी तरफ ये की जाए कि ईंधन की बात हमने कर ली है, लेकिन जो रोजमर्रा की और चीजें हैं, अगर सब्जियों की हम बात करें, जैसे कि आपने दालों का जिक्र किया, इनके भी जो दाम हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आने वाले समय में कीमत घटेगी या नहीं घटेगी, इस पर भी अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आधे से ज्यादा जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं, कुछ किसान जो है खेतों में काम भी कर रहे हैं, कई बार मौसम की मार की वजह से भी किसानों को मुसीबत झेलनी पड़ती है, इस वजह से भी महंगाई बढ़ जाती है, तो सीधे सीधे आम जनता की जेब पर असर पड़ता दिख रहा है। असर तो पड़ ही रहा है, लेकिन ऐसे में दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर बिना गाड़ी के काम नहीं चलता है, जब गाड़ी है तो पेट्रोल चाहिए चाहिए, ऐसे में बहुत आम चीज है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि नौकरियां नहीं है, पैसे कमा रहे हैं और उसके बाद भी पेट्रोल की कीमत, घर खर्च की जो आम खर्चे होते हैं उसमें इजाफा हो रहा है, तो ऐसे में जो दिनचर्या है, जो दिन है, वो कैसे कटेंगे, वो काटना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो कीमतें हैं वो कम नहीं हो रही है। हमारे दर्शकों तक एक अहम जानकारी और पहुंचा दूं कि तमाम मुद्दे होते हैं जिन पर हम बातचीत करते हैं, हर रोज आपके सामने पेश होते हैं, हर अलग अलग मुद्दे के सामने हम आपका जो पहलू होते हैं, अंदर के पहलू, वो बाहर लाते हैं, आप तक तमाम जानकारी पहुंचाते हैं। एक पूरी टीम होती है न्यूज़ ऑल इंडिया की जो तमाम तरीके के मुद्दे उठाती है और हम उन पर बात करते हैं, ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिन पर कोई बात नहीं करता, उस पर न्यूज़ ऑल इंडिया बात करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, जिस तरीके से आप अभी बता भी रही हैं कि आम तौर पर जो खर्चे होते हैं उसमें इजाफा तो हो ही रहा है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, सरकार से बार बार अपील की जा रही है कि इन पे कमी लगाई जाए, पाबंदी लगाई जाए, रोक लगाई जाए, पैसे अब ना बढ़ाए जाए, लेकिन उसके बाद भी कुछ कुछ पैसे करके पेट्रोल और डीजल की जो पैसे हैं वो यहाँ पर बढ़ाए जा रहे हैं। पिछले 10 दिनों की बात करूं तो 10 दिनों में काफी हद तक पैसे यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं और नौबत यह आ गई है कि 100 के पार पेट्रोल और डीजल पहुंच चुका है। बिल्कुल प्रद्युमन, और आम जनता भी अब सरकार से सवाल करने लगी। देखिए, विपक्ष तो लगातार सवाल कर ही रहा है, विपक्ष कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि यूपी की जब सरकार थी तब पेट्रोल की कीमतें बहुत कम थी, डीजल की कीमतें बहुत कम थी और रसोई गैस सिलेंडर जो है वो 300-400 रुपए में आ जाया करता था, आज 1000 रुपए, 900 रुपए, और पेट्रोल और डीजल की कीमत हर कोई जानता है, हर कोई वाकिफ है कीमतों से। तो विपक्ष सवाल उठा रहा है, अब आम जनता भी हर प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज उठा रही है, चाहे वो सड़कों पर प्रदर्शन करना हो, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचानी हो, लेकिन अब तक इस पर कोई रिएक्शन आखिर क्यों नहीं आ रहा है प्रद्युमन? क्योंकि उस सरकार से हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर जवाब दे कि आखिर महंगाई कब तक रहेगी, कब ये जो दाम है जो इतने बढ़ गए हैं, जो आसमान छू रहे हैं, कब कम होंगे। देखिए, ऐसा है, सरकार जो है वो कर्ता धरता है, जब कर्ता धरता आपकी बात सुनता है, आपको उससे उम्मीद होती है, तो जरूर एक उम्मीद जाग जाती है, और उम्मीद पूरी करना जो काम है वो सरकार का है कि आम लोगों के सामने परेशानी ना खड़ी हो। लेकिन जब इस तरीके के आंकड़े सामने आते हैं, चाहे 100 रुपए की पेट्रोल हो, 50 रुपए की दाल हो, या 60 रुपए की चीनी हो, तो जब ये बहुत छोटे आंकड़े हैं, लेकिन जब इनको घर खर्च के मायने से देखा जाता है तो ये जो आंकड़े हैं बेहद बड़े हो जाते हैं। नौकरियां नहीं है, नौकरी है तो उसमें परेशानी है, और ऐसे में जब लगातार ये खर्च बढ़ता जाएगा तो वो खर्च का निपटारा कैसे होगा, खर्च पूरा कैसे किया जाएगा, उसके लिए लोग नौकरी करते हैं लेकिन परेशानी वहां पर भी आ रही है। सरकार की बात करते हैं तो सरकार से लगातार जो विपक्षी पार्टी है, जो विपक्ष है, वो सवाल उठा रहा है, और अगर जो विपक्ष होता है उसका काम ही होता है सवाल उठाने का, जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत करने का, तो वो बखूबी अपना काम कर रहा है। लेकिन सरकार कब काम करेगी, सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए
कि जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जो और चीजों में इजाफा हो रहा है, उस पर थोड़ी कमी लानी चाहिए, जिससे जो आम लोग हैं उनको परेशानी ना हो। लेकिन जो परेशानी अभी हो रही है, किसान आंदोलन चल रहा है, किसान भी ये बात साफ तौर पर बोल रहे हैं कि अगर हमारा कोई इसका समाधान नहीं निकलता है तो हम अनाज रोक देंगे। अगर अनाज रोक देंगे तो साफ तौर पर ये जाहिर है कि अनाज में भी पैसे बढ़ जाएंगे, चावल पर भी पैसे बढ़ जाएंगे। तो कुल मिला के आने वाले समय में ये स्थिति बनने वाली है कि जो भी चीज आपके खाने पीने की है उसमें इजाफा हो जाएगा, इजाफा इतना हो जाएगा कि परेशानी होगी। बिल्कुल, और प्रद्युमन ये समझ नहीं आ रहा जनता को, ये स्थिति कब ठीक होगी और कैसे होगी। देखिए, अभी आपने जिक्र किया कि विपक्ष जो है लगातार सवाल उठा रहा है। देखिए, विपक्ष जो है और चीजों को लेकर भी सवाल उठा रहा है। जब महंगाई की बात होती है तो रोजगार और बेरोजगारी अपने आप ही इसमें मुद्दा जुड़ जाता है। यहाँ पर विपक्ष कहता है कि सरकार कहती थी कि हम इतने करोड़ रोजगार देंगे, वो रोजगार कहाँ है? क्योंकि रोजगार मिलेगा तो अपने आप, अगर महंगाई भी होती है तो इंसान महंगाई का एक हद तक जो सबब है वो झेल सकता है, लेकिन जब उसके हाथ में अठन्नी भी नहीं होगी तो रुपया कहाँ से खर्च कर लेगा? ये तमाम चीजें हैं जो आम जनता के सामने है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है आम जनता को कि आखिर इस महंगाई का सामना वो कैसे करे। लेकिन फिर भी लोग कोशिश कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं इस चीज को और थोड़ा कम खर्च कर रहे हैं। लेकिन जब सवाल पेट्रोल पर आता है और रसोई गैस पे आता है, तब कहीं ना कहीं आम जनता के माथे पर जो है वो लकीरें जो तनाव की होती हैं वो देखने के लिए मिल जाती हैं। प्रद्युमन, बिल्कुल, तनाव की लकीरें तो स्वाभाविक है आना, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है, अगर उस स्थिति में है आपके पर्स में पैसे नहीं होंगे लेकिन जो खर्च है वो यहाँ पर पूरा हो रहा है, तो परेशानी तो अपने आप हो जाती है। लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है, क्योंकि जो विपक्षी पार्टी है वो लगातार अपील कर रही है, अपील तो की जा रही है, उसके साथ साथ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, सोशल मीडिया के जरिए भी तंज कसा जा रहा है, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि सरकार इस पर ध्यान देगी और आने वाले समय में जो पेट्रोल की कीमतों में इतना इजाफा हो गया है कि 100 के पार पहुंच गया है, उसमें जरूर कमी देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल, और 2020 तो ऐसे ही निकल गया आम जनता के लिए और बहुत मुसीबत का समय था। हालांकि भारत ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें जीत हासिल की है, अगर हम ये कहें तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कोरोना वैक्सीन लेकर आए, उसके बाद अब उम्मीद लोगों को है कि 2021 में सब कुछ बेहतर होगा। लेकिन शुरुआती साल में हम देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, तो ऐसे में लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। उम्मीद तो हम यही करते हैं कि सरकार आम जनता की बात सुने और जो परेशानी है आम जनता की उसको जल्द से जल्द सुधारा जाए, उनको एक आशा दी जाए कि हाँ, इस समय तक जो पेट्रोल डीजल की कीमत है, जो रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं वो कम हो जाएंगे, या फिर इस समय के बाद फिर हम इसमें राहत दे देंगे। ऐसी उम्मीद जरूर सरकार आम जनता को दे। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।